मुरादाबाद के तीर्थांकर महावीर हॉस्पिटल के रिसर्च सेंटर में MBBS की छात्राओं के लिए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी छात्राओं को बताया गया जहां सरकार काम कर रही है तो वहीं विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा को लेकर भी काम किया जा रहा है। तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से मिशन शक्ति में MBBS की छात्राओं को किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बचाव के तरीके बताए गए। इंडोर स्टेडियम में 3 दिनों तक मेडिकल की छात्राओं को डेमो करके अटैक से सुरक्षा के उपायों के बारे बारी बारी से जमकर प्रैक्टिस कराई गई। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के इंचार्ज मनु मिश्रा के अलावा फैकल्टी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा बतौर डेमोस्ट्रेटर रहे तो अंतर्राष्ट्रीय कराटे की खिलाड़ी हर्षिता सिंह और राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी अनुपमा में हर स्टूडेंट्स को बचाव के टिप्स दिए। MBBS की फोर्थ ईयर MD नर्सिंग की छात्राओं ने प्रैक्टिस के दौरान सवाल भी किए, जैसे अचानक कोई पीछे से आकर हमारे बाल पकड़ ले तो हम अपनी और अपने सामान की कैसे रक्षा करें, मोबाइल फोन चेन पर्स या बैग आदि स्नेचिंग होने पर वो कैसे बचें। कैंपेन के दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल की छात्राएं मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कर रहे हैं। इस कैंपेन का 24 अक्टूबर को समापन हो गया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज की ओर से मिशन शक्ति कैंपेन की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंकिता मित्तल मौजूद रहीं। इंडोर स्टेडियम में आत्मरक्षा ट्रेनिंग सेशन के तहत महिलाओं पर शारीरिक अटैक से आत्मसुरक्षा के तमाम टिप्स दिए गए। इससे पहले कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के इंचार्ज मनु मिश्रा ने कहा, आत्मरक्षा के नियमों को आत्मसात करें, हमें हर वक्त रिलैक्स नहीं रहना चाहिए, एक्टिव रहने से ही हम किसी भी अनहोनी से बच सकते हैं। डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बतौर डेमोस्ट्रेटर पूछा, क्या महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर और सक्षम है? महिलाएं आमतौर पर मानसिक रूप से पुरुषों से कई गुना अधिक कष्ट सहती हैं। क्या वह खुद के लिए नहीं लड़ सकती? ये सच ये है, आप शक्ति का स्वरूप हैं, बस आपको ताकत को पहचानना होगा। इंडोर स्टेडियम में फिजिकली डेमो से पूर्व प्रतिदिन न्यू लेक्चर थिएटर में व्याख्यान भी हो रहे हैं। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर श्यामोली दत्ता, एडिशनल डीन एकेडमिक्स डॉक्टर नजमुल हुदा, चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेहाना नजम आदि की भी मौजूदगी रही। नहीं, ये चीज़ नहीं, हम उनका थंब देखते हैं, थंब उनका किस साइड है, थंब की साइड से वो जो ग्रिप होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है ना, तो हम लोग थंब नोटिस करते हैं कि किस साइड में, जिस साइड में थंब होगा उस साइड से हमें पूरा अपना हैंड ऊपर ऐसे करके फुल रेंज में मोशन करना है, उसको घुमा देना ऐसे करके ये और स्पीड से एकदम। तो क्या करते हैं आप लोग हाथ छुड़ाने के लिए? चीखते चिल्लाते भी हैं, किसी ने हाथ टाइट किया, चीखना सबसे पहले, वो तो एक बेसिक है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम क्या करें? तो इन लोगों ने बताया आपको कि जैसे ही कोई आपकी रिस्ट पकड़ता है तो सबसे पहला आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि आपको उसका थंब साइड जज करना, ठीक है। जैसे ही आपने थंब साइड जज किया, यू जस्ट क्या करना है, अब हमें आर्म को रोटेट करना है, आर्म को रोटेट तो करना है, एक तो रोटेट ये भी हो गया, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रेंज बढ़ानी है। रेंज बढ़ाने से क्या होगा कि उसका हाथ क्या होगा, लूज होगा, क्योंकि वो ताकत कहाँ पे लगा रहा है, फोर्स ऐसे लगा रहा है, उसने ऐसे पकड़ा तो ऐसे फोर्स लग रहा है, फोर्स का एक वे है ना, तो आपको उस वे को रिमूव करना है। अपने आप खुद उसका अटैक खत्म हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं क्या करना है, इतनी देर में तो मेरा काम हो जाएगा, इतनी देर में कि पूरा पड़ जाएगी पूरी बॉडी खाली, इसलिए मूवमेंट स्पीड होनी चाहिए, स्पीड में करना है, पूरी रिप्स एक बार में टूट जाएंगी यहाँ से, हाथ पकड़ के बस इसी की ओर लाए ऐसे, जैसे मेरा हाथ हुआ वैसे देखिए, जब यहाँ कोई डेमोस्ट्रेट करे तो आप उसको बहुत अच्छे से वॉच आउट करें, जब आपको चांस मिले तो दिखाइए, रोटेट करके दिखाइए, ठीक है, अब क्या करना है, मेरा हैंड फ्री है, दूसरा
जो मेरा हाथ उन्होंने होल्ड करा है, पकड़ा हुआ है, उसकी फिस्ट बनानी है टाइटली, एकदम फिस्ट बना ले, ये ठीक है। और जो हमारा हैंड फ्री है उस हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे उनके हाथों से और अपनी फिस्ट को पकड़ के ये यस ओ एक मिनट, मेरे हैंड की लेंथ, इनकी हैंड की लेंथ, ठीक है। कितना पकड़ सकते हैं, सिर्फ जितना इनका हाथ होता है तो पकड़ेंगे, कुछ नहीं करना है, मारने तो बता रहे हो, यहाँ तक है ना, अमेरिकी गेट में कहाँ जाएगी, यहाँ खड़े सीधे।